उद्धव के साथ शरद का पावर है, जरा ध्यान से देखें आप कैसे ये चीज हम आपको बता रहे हैं, इसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं। उद्धव सरकार को बचाने की कोशिश में लगे हैं शरद पवार, नंबर वन। नंबर टू, आज की बैठक शरद पवार ने सरकार बचाने की कोई जबरदस्त फॉर्मूला निकाला, यह भी इंफॉर्मेशन आ रही है। आज शरद पवार के साथ बैठक के बाद संजय राउत के तेवर एकदम बदल गए। शरद पवार से बैठक के बाद संजय राउत ने शिंदे ग्रुप को मुंबई लौटने का चैलेंज दे दिया। शरद पवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के साथ एनसीपी है और आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास बहुमत है, सरकार बचाने की हर कोशिश करेंगे। इस सब के बीच में ध्यान से देखें आप, 24 घंटे में बदल गए शिवसेना के सुर। 23 जून विधायक आए बात करें, 24 जून बात करने का वक्त निकल गया। संजय राउत ने कहा हम बात करने को तैयार हैं, अब कोई बात नहीं होगी। 24 जून में यह फर्क आ गया, फिर चेंज करें इसको यहां पर। किस तरीके से पत्राचार से काम नहीं चलेगा, चैलेंज करते हैं कि वो मुंबई आए, ये कहा गया 24 जून को। हम तैयार हैं, हार नहीं मांगी है, जो भी मांगे हैं सुनी जाएंगी, ये भी कहा जा रहा था। यानी कि पूरा का पूरा अबाउट टर्न, गठबंधन तोड़ने पर विचार होगा, सड़क से सदन तक हम ही जीतेंगे, ये भी कहा इन्होंने। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, सूत्रों के हवाले से खबर। एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों ने दिया नोटिस। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिवसेना के ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे के बागी गुट के बीच टकराव तेज हो गया और सुलह की बची हुई संभावनाएं भी खत्म हो गई। कैसे, इसे देखते हैं, आइए ध्यान से देखें आप। शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर से 16 बागी एमएलए की सदस्यता रद्द करने की मांग की, दांव पेच की बाजी, ध्यान से देखें आप। गुरुवार को 12 और आज 4 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अर्जी दी। एक और 2 दिन पहले ही बागी विधायकों को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने 18 मिनट का फेसबुक लाइव किया था, बागी विधायकों को बातचीत का ऑफर दिया और सीएम पद छोड़ने की पेशकश की। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को 24 घंटे के अंदर लौटने को कहा। गुरुवार की बैठक में उद्धव ने पार्टी नेताओं से कह दिया कि अब बातचीत नहीं होगी। शिवसेना की मांग के बाद डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल का रोल अब सबसे अहम हो गया। इस बीच एक दांव शिंदे गुट की तरफ से खेला गया। शिंदे खेमे के 2 निर्दलीय विधायक महेश बाल्दी और विनोद अग्रवाल ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल को हटाने के लिए नोटिस भेज दिया है। डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल एनसीपी से संबंध रखते हैं। ऐसे हालात में जबकि 16 विधायकों पर सदस्यता रद्द होने की तलवार लटक रही है, यह समझना जरूरी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, कब चली जाएगी सदस्यता। कोई सदस्य सदन में पार्टी विप का विरोध के विरुद्ध मतदान करे, नंबर वन। नंबर टू, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे, कोई निर्दलीय चुनाव के बाद किसी दल में चला जाए, मनोनीत सदस्य किसी दल को ज्वाइन कर ले तो उसकी सदस्यता चली जाएगी या उसके फेवर में वोट कर दे तब भी। 1985 में बने कानून में 2003 में बदलाव किया गया था, दल बदल के लिए कदम कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति की जरूरी है। स्पीकर या चेयरपर्सन का दल बदल पर अंतिम फैसला होता है। 1991 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोर्ट दखल दे सकता है।